तो व्हाट्सअप गाइज, गुड इवनिंग। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में, एवेन्यू सुपर मार्ट के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे, चाहे रिलायंस का जियो हो गया, चाहे बिग बाजार हो गया, सबसे कम दाम में ये चीज़ देता है। ठीक है, पूरा एक्यूरेट प्राइस में ये प्रोवाइड करता है। रिटेल बिजनेस में ये काम करता है। डी मार्ट कंपनी का नाम है और बहुत ही मतलब कि चलने वाला एक कंपनी है। पूरा डिटेल्स में हम लोग इस शेयर को देखेंगे और ये शेयर का प्राइस अभी कितने में चल रहा है देख लेते हैं। 4,515 रुपये में चल रहा है। इसका प्राइस, टारगेट प्राइस बताएंगे, पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। 5 डे में देखोगे और 5,323 इसका हाई है। अगर हम लोग 1 ईयर देखेंगे तो 61% की रिटर्न दिया है कंपनी। 5 ईयर देखोगे तो 631% की रिटर्न। और कोविड के टाइम में ये शेयर देख सकते हो कितने में मिल रहा था, यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1980 रुपये में, 90 रुपये में मिल रहा था। मैक्सिमम टाइम देखोगे वही 631% की रिटर्न है। और दोस्तों, लिस्टिंग हुआ था 2017 में 616 करके, और अभी देखिए वही 616 वाला शेयर अभी देखिए 4,500 हो चुका है। भविष्य में ये कितने तक जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर इसका 5,000 का टारगेट दे रहा हूँ, 5,000 का टारगेट दे रहा हूँ, यानी यहाँ से 500 रुपये का टारगेट जरूर से शेयर अचीव करेगा। अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखने के लिए कोशिश करेंगे, 7.5 लाख के करीब वॉल्यूम था लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में, 5,900 इसका हाई है। और दोस्तों, लो देख सकते हो 2,061 है। और सेलिंग प्रेशर थोड़ा आया था लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में, 38% की माल उठाया गया है डिलीवरी में। अगर हम लोग देखेंगे 16 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था, यानी दोस्तों रिजल्ट में थोड़ा सा गिरावट है, इसीलिए दोस्तों शेयर नीचे जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है, रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया है। अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में शेयर को देखेंगे, BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2,92,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 5,900 ये इसका हाई है, 2,100 इसका लो है। स्टॉक पी देख सकते हो 213 है। बुक वैल्यू 196 है। डिविडेंड नहीं देता है। ROC 12 है। ROE यहाँ पर 9.45 है। फेस वैल्यू 10 का है। कर्जा ना के बराबर, 510 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कई गुना ज़्यादा 12,000 करोड़ का कंपनी रिजर्व रखा है। एक चुटकी में कर्जा मुक्त हो सकता है। एसेट देखोगे 14,338 करोड़ का एसेट है। प्रॉफिट कंपनी 3 ईयर में जनरेट कर रहा है 11% की, और डिविडेंड नहीं देता है। फ्री कैश थोड़ा सा यहाँ पर माइनस है। ये दोनों को अगर सुधार देता है शेयर और भी ऊपर जाएगा। अर्निंग पर शेयर 21 रुपया है और 12,697 इसका दोस्तों नेटवर्थ है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे, ये जो गिरावट है रिजल्ट में ख़राब है, इसीलिए गिरावट है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, रिटेल सेक्टर में काम करता है, नंबर वन कंपनी है इस फील्ड का। क्वार्टरली कारोबार सेल हुआ था 7,120 का, 7,790 का यहाँ पर सेल हुआ है। एक्सपेंस से कई गुना ज़्यादा। अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे 95 करोड़ से 418 करोड़ का एक शानदार मुनाफा कंपनी क्वार्टर वाइज जनरेट किया है। ईयर वाइज देखेंगे 25,000 से 27,000 का सेल हुआ है। एक्सपेंस से ज़्यादा सेल हुआ है। और आप देखोगे तो यहाँ पर 1,100 करोड़ और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 1,374 करोड़ का एक शानदार मुनाफा कंपनी ईयर वाइज भी जनरेट किया है। क्वार्टर वाइज भी प्रॉफिट है, ईयर वाइज भी कंपनी में प्रॉफिट है। और दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 54% है और CAGR 114 है। और दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे कंपनी का एसेट में क्या हालचाल, देखिए 13,000 से 14,000 हो चुका है। अगर हम लोग नेट कैश फ्लो देखेंगे, यहाँ पर माइनस था, अभी देखिए वो भी प्लस हो चुका है। होल्डिंग अगर चेक करेंगे तो 75% प्रोमोटर रखे हैं। FI वालों के पास 9.95 है, DI वालों के पास 6.78 है, पब्लिक के पास 8.29 है। तो दोस्तों, सारा पैरामीटर देखने के बाद 5,000 का टारगेट दे रहा हूँ, जरूर से शेयर अचीव करेगा अगर आप यहाँ पर पेशेंस दिखाओगे। ठीक है, और थोड़ा ये शेयर और थोड़ा गिरेगा, उसके बाद ही आप इसको बाय कीजिए। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।